कक्षा 8 विज्ञान, मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 2 अर्थात संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके प्रश्न उत्तर इसमें प्रस्तुत होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले है संश्लेषित रेशे होते क्या हैं ये। तो आपने देखा होगा मोतियों की माला में कि जिस प्रकार माला में धागे के जुड़े मानकों के कारण उसकी बनावट एक सी दिखाई देती है, ठीक ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों से जोड़ करके बनाए जाते हैं, जैसे कि माला यहाँ दिखाई दे रही है आपको चित्र में, जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई को क्या कहते हैं, एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बना लेती है, जिसे हम बहुलक कहते हैं या पॉलीमर कहते हैं इसको। तो ये संश्लेषित रेशे आपको दिखाया गया, छोटी छोटी इकाइयां जोड़ करके समान रूप से बनाएगी और ये बनावट बहुत अच्छी लगती है, सुंदर दिखाई देती है। चलिए आगे चलते हैं, संश्लेषित रेशों के प्रकार क्या है। तो इस प्रकार में सबसे पहला नाम आता है रेयॉन का। ये रेयॉन है आपका, इसमें क्या चीज है, जैसे रेशम के कीट से जो है हम लोग रेशम प्राप्त किया करते थे पहले, लेकिन इसे बनाने में कपड़े की बनावट बहुत सुंदर होती है तथा यह बहुत महंगा होता है, इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी में क्या करा, वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई, जिसे रेयॉन या कृत्रिम रेशम कहा जाता है। कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार के प्राप्त मानव निर्मित रेशा बनाया गया, जो रेशम से सस्ता होता है। रेयॉन में कपास मिलाकर चादरें बनाई जाती हैं, ऊन मिलाकर के गलीचे बनाए जाते हैं। तो इस तरह का ये रेयॉन होता है। चलिए नायलॉन के बारे में भी जान लेते हैं, ये दूसरा है इसमें, यह भी मानव निर्मित रेशा है। इसे बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त होता है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अतः यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। यह मजबूत, हल्का, प्रत्यास्थ और चमकीला रेशा है, जो धुलाई में आसानी के कारण कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक प्रचलित है। इसकी मजबूती के कारण पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो नायलॉन का भी आजकल ज्यादा मांग हो गई है। चलिए पॉलिस्टर देखते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े भी जो बनते हैं, यह भी एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों की सलवटें नहीं पड़ती हैं, यानी कि प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये सरलता से धुल भी जाते हैं। टेरिलीन हो गया, लोकप्रिय पॉलिस्टर है, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, इसके बहुत महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार पेट पीईटी, पॉलीथाइलिन टेट्रालिन, ये एक ऐसा पॉलिस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार व अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। अब पॉलिस्टर पॉली और एस्टर से मिला हुआ है, वास्तव में एक रसायन एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से ये बनता है, अर्थात पॉलिस्टर एस्टर का बहुलक है। इसे बनाने वाले कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉलीकॉट जो है पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है, जबकि पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो ये भी जानना आपको जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक का भी बहुत ज्यादा आजकल उपयोग हो रहा है। यदि हम सर्दी में स्वेटर, साल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं, इसमें से कुछ प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशे से बने होते हैं, जो एक्रिलिक कहलाता है। इससे बनने वाले वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ तथा पहुंच के भीतर होने के कारण अधिक लोकप्रिय है। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अपने प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों को जलाकर देखने वाला क्रियाकलाप जरूर किया होगा। आपने देखा होगा कि कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, यह इनका एक हानिकारक गुण है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तो ये पिघल करके पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं और बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। चलिए प्लास्टिक के जो गुण हैं, इनके अभिलक्षण गुणों को जान लेते हैं। नंबर एक है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, यानी जल्दी से क्रिया नहीं करता। तो प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संरक्षण आसानी से नहीं होता है, इनका संचारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों और रसायनों को रखने में किया जाता है। नंबर दो, प्लास्टिक हल्का तथा मजबूत होता है। प्लास्टिक हल्का तथा प्रबल होता है, इसलिए इससे बनी वस्तुओं का भार तथा कीमत कम होती है तथा यथार्थ यानी सामर्थ्य अधिक होता है और उपयोग में आसानी होती है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इनका उपयोग वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। नंबर नेक्स्ट है प्लास्टिक कुचालक होता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे तथा बिजली के तार का कवर बनाने में किया जाता है।
अब प्रश्न आ गया आपका, संश्लेषित रेशे अधिक लोकप्रिय क्यों होते हैं? तो उत्तर आपको पीछे बताई दिया था, संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ तथा पहुंच के भीतर होने के कारण अधिक लोकप्रिय हैं। नंबर सेकंड है पेट यानी पीईटी का उपयोग लिखना है। तो पीईटी का उपयोग क्या होता है? यह एक ऐसा पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में, तार एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। अब चलते हैं नंबर तीन पे, बहुलक किसे कहते हैं? कुछ प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण भी देने हैं। तो इसका उत्तर है संश्लेषित रेशे में रासायनिक पदार्थ की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बड़ी इकाइयां बनाती हैं जो बहुलक कहलाती हैं या पॉलीमर कहलाती हैं। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण जो है सेलुलोज है, रबड़ है, रेशम है, लकड़ी आदि प्राकृतिक बहुलक हैं। जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय किसे कहते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय देखते हैं वे अपशिष्ट जो मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैव अनिम्नीकरण वे पदार्थ जो कूड़े के ढेर में अपघटित नहीं होते हैं उन्हें जैव अनिम्नीकरण या नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? उसका कारण है कि जैसे ही ये गर्म होते हैं पिघल करके शरीर से चिपक जाते हैं और बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं व्यक्ति को। तो कृत्रिम या संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाती है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तो ये पिघल करके पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं, इसलिए रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये वार्निंग होती है हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती हैं, इसका उदाहरण से समझाना है। तो उत्तर है आपके सामने, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के बहुलक बनाती हैं। उदाहरण क्या है? जिस प्रकार मोतियों की माला में धागे से जुड़े मानकों के कारण उनकी बनावट एक सी दिखाई देती है, ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों से जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती हैं। चलिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में अंतर देखते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक इधर दिया हुआ और इधर थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। कुछ वस्तुएं गर्म करने पर क्या होता है? आसानी से मुड़ जाती हैं और विकृत हो जाती हैं, ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पॉलीथीन है, पीवीसी है। इनका उपयोग क्या करते हैं? खिलौने बनाने में करते हैं, कंघी बनाने में, बर्तन आदि बनाने में होता है। जरा थर्मोसेटिंग को भी देख लेते हैं, क्या है थर्मोसेटिंग? कुछ वस्तुएं ऐसी प्लास्टिक से बने होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता, ये प्लास्टिक थर्मो, इनका उपयोग सेटिंग प्लास्टिक कहलाती है, यानी थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहलाती है। उदाहरण में है बैकेलाइट है और मेलेमाइन है, ये सारे दोनों उदाहरण है, उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि एक बार बन गए तो दोबारा पिघलने नहीं पाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है इसलिए विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। नंबर तीन है, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई दो उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। चलिए उचित विकल्प चुनकर के लिखना है। सबसे पहले नंबर एक है, संश्लेषित रेशे क्या चीजें हैं? पौधे से प्राप्त रेशे, रासायनिक पदार्थों से निर्मित, जंतुओं से प्राप्त रेशे या उपरोक्त सभी है? तो ये ग वाला हमारा सही है, रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे। नंबर दो, कंघिया बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है। कंघिया किससे बनाई जाती है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक से, थर्मोप्लास्टिक से, या क और ख दोनों से, या क तथा ख दोनों से? नहीं, तो इसमें थर्मोप्लास्टिक की बनाई जाती है, ख वाला हिस्सा इसका सही है। नंबर तीन में देखो, आग बुझाने वाले कर्मचारी के वस्त्र बने होते हैं, टेफ्लॉन से बने होते हैं, मेलेमाइन प्लास्टिक से बने होते हैं, बेकेलाइट से बने होते हैं, या थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं? तो ये आपके खाए से बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। चलिए नंबर चार है, कृत्रिम रेशम
क्या है, नायलॉन है, रियॉन है, प्लास्टिक है, एक्रिलिक है, तो कौन सा है कृत्रिम रेशम, ये देखना है आपको। रेयॉन है इसमें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। ये है पीईटी, एक प्रकार का क्या चीज है, नायलॉन है, रियॉन है, पॉलिस्टर है या एक्रिलिक है, तो ये क्या चीज है आपका, ये आपका पॉलिस्टर है। चलिए कॉलम क में दिए गए पदों के कॉलम ख में दिए गए वाक्यों के साथ मिलाना है। चलिए देखते हैं इसको मिला करके, देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले रियॉन है, ये नंबर वन है, ये टू है, नंबर थ्री है, नंबर फोर है और ये नंबर फाइव है। ये आपका ए है और ये बी है और ये सी है, डी है और ई है। हालांकि ये उत्तर मैंने सामने दे रखा है, आप लोग आराम से इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेयॉन। रेयॉन जो है वो कास्ट के लुगदी वगैरह से बनता है। ये है आपका सी वाला ऑप्शन, इसका सही है, ये यहां पर पहला नंबर आ जाएगा आपका, ये सी वाला ऑप्शन सही है रेयॉन के लिए। नंबर दो है नायलॉन। नायलॉन का जो है पैरासूट वगैरह बनाते हैं, तो ये वाला आपका, ये नायलॉन जो है ये ए पर सही है, तो यहाँ पे आप दो नंबर डाल देंगे, तो यानी ये वाला भी आपका सही हो गया। थर्मोप्लास्टिक जो है नंबर तीन पे आते हैं, गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं, यानी कि ये नंबर तीन पे आ जाएगा, यानी ये तीन वाला भी हो गया आपका। अब है पॉलिएस्टर क्या चीज है, पॉलिएस्टर क्या है, कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं, यानी ये वाला है आपका चौथे नंबर का, तो चार यहां लिख लेंगे आप और चार वाले को टिक कर देंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, एक ही बचा है, उष्मा देकर के नर्म नहीं किया जा सकता, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन है, यहां पर आप पांच लिख लेंगे। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये है नायलॉन रेशों से निर्मित तीन वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। तो नंबर एक देखते हैं, नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाने वाले इससे निर्मित तीन वस्तुओं के नाम निम्नलिखित है। नंबर एक है पैरासूट, नंबर दो रस्सी, मोजे, ब्रश तथा पर्दे आदि बनाने में हो जाता है इसका। खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी के बने पात्रों के उपयोग के कारण लिखिए, क्यों कारण, किस कारण से पीईटी के बनाए जाते हैं, तो प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इनका संचारण आसानी से नहीं होता है, इसलिए पीईटी से बने पात्रों का उपयोग खाद्य पदार्थों को रखने में किया जाता है। संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, समझाइए इसको, तो इसका ये उत्तर दिया हुआ है। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण के फलस्वरूप हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। संश्लेषित वस्तुओं यानी रेशों को बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे, जंतु से प्राप्त का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण में पौधों की आवश्यकता नहीं होने से कच्चे माल के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह कहा जा सकता है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। तो इतना आप कुछ लिखना होगा, ये लेसन यहीं समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और इस पे कमेंट्स भी करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, फिर मैं और अच्छी वीडियो बना करके देने का प्रयास करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।